पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन को ठंड के कारण लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिसंबर माह में कोहरा और ठंड के कारण लगभग 20,000 टिकट रद्द किए गए, जिससे 1.25 करोड़ रुपए रेलवे को वापस करना पड़ा। सर्दी में कोहरे के कारण यात्रियों और रेलवे दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रेनें लेट होने के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं और अपना टिकट रद्द करा रहे हैं। इससे रेलवे को हर माह नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिसंबर 2023 के माह में मुरादाबाद रेल मंडल को लगभग 20,000 यात्रियों के टिकट वापस करने पड़े। जो ट्रेनें पहले चल रही थी या जिनकी डिमांड कम थी, उन ट्रेनों को सिलेक्ट करके फॉग से पहले ही कैंसिल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यात्रियों ने टिकट खरीदे। लगभग 20,000 टिकट खरीदे गए उन यात्रियों के द्वारा कैंसिल कराया गया। टिकट कैंसिल कराने की वजह से रेलवे को लगभग 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, ये जो ट्रेनें पहले चल रही थी फॉग में, हम लोगों ने उसमें जिसमें लो ऑक्यूपेंसी थी या जिसकी डिमांड कम थी, ऐसे ट्रेनों को सेलेक्ट करके फॉग से पहले कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे यात्रियों ने उसमें टिकट लिए थे, तो वो टिकट लगभग 22,000 के आसपास के टिकट जो हैं, 20,000 पैसेंजर ने टिकट लगभग कैंसिल कराए हैं, मतलब दिसंबर के महीने में। ये आंकड़ा केवल दिसंबर के महीने का है कि जो ट्रेनें ऑलरेडी मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जिनके टिकट बन चुके थे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो 20,000 लोगों ने टिकट दिसंबर महीने में कैंसिल कराए या ऑटोमेटिक कैंसिल बहुत का इसमें से हो गया, क्योंकि ट्रेन कैंसिल थी तो ऑटोमेटिक रिफंड ई टिकट वालों को तो मिल जाता है, लेकिन जो पेपर टिकट वाले थे उन्होंने अपना आके रिफंड लिया और इससे लगभग 1.25 करोड़ रुपए रिफंड के रूप में हमको देने पड़े। तो हम कह सकते हैं कि कोहरे के वजह से, या मतलब मेन कारण कोहरा ही रहा जिसकी वजह से लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कराया, या तो ट्रेन कैंसिल होने की वजह से, या कुछ इसमें है कि जिनका पहले से प्रोग्राम निर्धारित होता है लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी इस पूरे आंकड़े में उनके भी नंबर शामिल हैं। तो दोनों तरीके से हम मतलब ये नुकसान है रेलवे का कि जो कि पहले से आए उसके खाते में आ चुकी थी, वो वापस करना पड़ता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।